शिक्षकों व कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष में रहूंगा सबसे आगे। शिक्षक विधायक सिद्धार्थनगर। कर्मचारी शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने शिक्षकों व कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। समस्याओं को संकलित कर जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा। जिला मुख्यालय पर शुभम पैराडाइज में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक विधायक ने कहा कि शिक्षक व कर्मचारी के एकता के बल पर सारी समस्याओं का समाधान संभव है। प्रशासन को शिक्षकों व कर्मचारियों का उत्पीड़न कर भय उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कहा कि सभी संगठन एकजुट रहें और समस्याओं को संकलित कर जिलाधिकारी को सौंपें। निस्तारण न होने पर आंदोलन की रणनीति तैयार करें, उनके संघर्ष में वह साथ रहेंगे। संघर्ष समिति के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधे रमन त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षक विधायक के नेतृत्व में शिक्षक व कर्मचारियों ने संघर्ष कर अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। समिति के संयोजक सुजीत जायसवाल ने कहा कि शिक्षक व कर्मचारी संगठनों की एकता के बल पर सारी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, राजस्व संग्रह अमीन संघ, प्रयोगशाला सहायक एसोसिएशन, सफाई कर्मचारी संघ, डिप्लोमा फार्मासिस्ट संघ अटेवा, सिंचाई संघ, गन्ना कर्मचारी संघ, ग्राम संघ, एडीओ पंचायत संघ, शिक्षा मित्र समायोजित संघ, रोजगार सेवक संघ, लेखा सहायक संघ, मनरेगा सामायिक अमीन संघ सहित 27 संगठन के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इन्होंने भी किया संबोधित। कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के योगेंद्र पांडे, रणजीत कुमार गौतम, ब्रजेश द्विवेदी, विजय मिश्रा, राजेश मिश्रा, रामकरण गुप्ता, दयानंद मणि त्रिपाठी, कली मुजफ्फर, महेश्वर मणि मिश्रा आदि ने भी संबोधित किया। एक कर्मचारी शिक्षक संघर्ष समिति का गठन लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान मई माह में हुआ था कलेक्ट्रेट परिसर में। और इस संगठन के सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोगों के कर्मचारी शिक्षकों के मसीहा और सदन में कर्मचारी शिक्षकों की आवाज़ उठाने वाले माननीय विधान परिषद सदस्य श्रीमान ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी इस संगठन के हमारे संरक्षक हैं। श्री राधे रमन त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के वो जिलाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ इस संगठन में विभिन्न 27 संगठन हैं जो आज के इस कार्यक्रम में 27 संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। उनके अध्यक्ष मंत्री ने माध्यमिक शिक्षक संघ के रामविलास यादव ने, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, सफाई कर्मचारी संघ के रणजीत कुमार गौतम जी के साथ साथ राजस्व संग्रह अमीन संघ के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा जी, प्रयोगशाला सहायक संघ के दयानंद मणि त्रिपाठी जी सहित 27 संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज के इस बैठक में, जो तीसरी बैठक थी मई 2024 में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान इस कर्मचारी शिक्षक संघर्ष समिति का गठन हुआ था। साथ ही साथ हमारे जो संरक्षक जी हैं निश्चित रूप से ये सदन में बात उठाते हैं। हमारा आज के इस बैठक में आपसे सादर अनुरोध भी रहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन हेतु आप निश्चित रूप से सदन में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली, संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण की भी मांग हमारे परम आदरणीय संरक्षक जी सदन में करेंगे। निश्चित रूप से कर्मचारी हित की ही लड़ाई लड़ने के लिए कर्मचारी शिक्षक संघर्ष समिति का गठन हुआ है जिसके अध्यक्ष परम आदरणीय श्री राधे रमन त्रिपाठी जी हैं और संरक्षक हमारे शिक्षक विधायक माननीय श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी उनके। ये जनपद सिद्धार्थनगर के शिक्षकों कर्मचारियों का संघर्ष का एक मोर्चा बना है जिसके सम्मानित अध्यक्ष राधे रमन त्रिपाठी और संयोजक सुजीत कुमार जायसवाल जी हैं और आज इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो शिक्षकों और कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान उस
समस्याओं में चाहे उत्पीड़न आता हो, चाहे शोषण आता हो, चाहे अपमानजनक परिस्थितियां आती हो, उस सब के लिए सीधा संघर्ष करने का यह मोर्चा इस जनपद में राधे रमण जी की अध्यक्षता में और सुजीत कुमार जायसवाल जी के संयुक्तत्व में यह बना हुआ है। देखिए, जब भी कोई परिस्थितियां बदलती हैं, जब सरकारों के द्वारा, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा शिक्षकों कर्मचारियों का जब बातें अनसुनी कर दी जाती हैं, समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तब जो एकजुटता प्रदर्शित होती है, तो उस एकजुटता में जो अलग अलग लोग बटे रहते हैं, उसके लिए एक नाम रखा जाता है। हमारा अतीत है कि जब जब पे कमीशन की के संघर्ष चले, जब जब कहीं उत्पीड़न के संघर्ष चले, तो एकजुटता एक अलग है बैनर के तले स्थापित हुई है, और उसके तहत उसके उस बैनर के नीचे जो है संघर्ष करके समस्याओं का समाधान किया गया। ये जो संगठन बना हुआ है, हमारे जनपद के जितने भी कर्मचारियों और शिक्षकों के संगठन हैं, उन सभी लोगों का एक मोर्चा है। ये दुनिया जानती है, कहावत है कि एकता में बल होता है। उसी चीज को अपने को बलि बनाने के लिए कर्मचारियों शिक्षकों ने, जो विभिन्न तरह के संगठनों में विभाजित हैं, उन लोगों ने अपना एक मोर्चा बनाया है। जनपद स्तर पर शिक्षकों और कर्मचारियों के समक्ष तमाम तरह की समस्याएँ आती हैं। कभी कभी उनको उत्पीड़न और अपमान का भी सामना करना पड़ता है। हम लोग शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों के द्वारा चुने गए संगठनों के पदाधिकारी हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा संगठन या संस्था बनाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और उसके तहत जो भी संगठन बने हुए हैं बने हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों का दायित्व है कि अगर हमारे सदस्यों का कहीं उत्पीड़न हो रहा है, कहीं अपमान हो रहा है, या उनके अधिकारों की कहीं से कटौती की जा रही है, तो उसके प्रति हम लोग सजग रहें और उसके लिए संबंधित को हम लोग अवगत कराएं और ना मानने की स्थिति में संघर्ष करें।